एक बहुत बड़ा अभियान निरंतर चल रहा है, जिसके माध्यम से खेत में ही सोलार पैनल लगाने के लिए मदद दी जा रही है। आदिवासी किसानों को भी वनोपज से अधिक लाभ हो, इसके लिए बड़े स्तर पर वन धन योजना सफलता के साथ चल रही है और बजट से उसको बल भी दिया जा रहा है। साथियों, सरकार ने हमेशा किसानों के हित में हर जरूरी कदम उठाए। अब आप देखिए, बजट में रिन्यूएबल एनर्जी का खर्चा पड़ेगा, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण खर्चा है किसानों के लिए सोलर पंप। अगर सोलर पंप हम सबसे ज्यादा किसानों के पहुंच पहुंचाएंगे, सूर्य शक्ति से चलने वाला पंप, किसानों को रात को जागना नहीं पड़ेगा, दिन में ही अपने खेती कर लेगा, पानी पहुंचा देगा, शाम को परिवार के साथ अपना समय बिता पाएगा और उसका खर्च भी कम हो जाएगा। इसके लिए भी सोलर पंप का बहुत बड़ा बजट हमारे किसानों तक हम पहुंचा रहे हैं। साथियों, पिछले बजट फर्टिलाइजर की सब्सिडी 80,000 करोड़ रुपए से भी कम रखी गई थी, 79,000 करोड़, लेकिन कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में सप्लाई चेन में गड़बड़ होने के कारण बहुत बड़ा उछाल आया। अब जहां हम करीब 80,000 करोड़ का प्रावधान किया था, हमें 60,000 करोड़ और लगाने पड़े, करीब करीब 1,40,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर के लिए, जो पहले कभी नहीं करना पड़ा था, इसलिए क्योंकि फर्टिलाइजर का दाम बढ़ा है, लेकिन वो किसान पर बोझ न बने इसलिए सरकार ने उसको झेला, ताकि किसानों की लागत न बढ़े, उन पर अतिरिक्त बोझ न आए। और इस बार इस सब्सिडी को 79,000 से बढ़ा करके 1,05,000 करोड़ रुपए किया गया है, ताकि मेरे किसान भाइयों बहनों को फर्टिलाइजर के लिए संकट का सामना न करना पड़े। और आने वाले कुछ दिनों में हम एक नई योजना लेकर के आ रहे हैं, नैनो फर्टिलाइजर, किसानों की बहुत बड़ी मदद करने वाला, एक बहुत बड़ा अहम, हमारे वैज्ञानिकों की मदद से हमने अनुसंधान किया है, जो इस बजट में भी इसका सीधा उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उस दिशा में हम काम करने वाले हैं। इसी प्रकार एमएसपी को लेकर भी अनेक प्रकार की बातें फैलाई गई है, लेकिन हमारी सरकार ने बीते सालों में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की है। सिर्फ धान की ही बात करें, धान की, जो सीधे सीधे छोटे किसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और छोटे किसान की खेती जेब के लिए नहीं, जीवन के लिए होती है, सिर्फ धान को ही अगर बात करें तो इसी सीजन में किसानों को एमएसपी के रूप में 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक मिलने का अनुमान है। बजट में प्रावधान किया गया है कि 2,37,000 करोड़ रुपए का एमएसपी किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। इस साल के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 68,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, 68,000 करोड़ रुपया सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा किसान के जेब में पहुंचने वाला है, और ये राशि भी पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा है। इसका लाभ भी देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को होगा, और छोटे किसान के लिए तो ये रकम बहुत बड़ी होती है, उसको खेती में कुछ करने के लिए हिम्मत देती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र को, हमारे किसानों को बेहतर सड़कों का भी विशेष लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 36% बढ़ाया गया है। वहीं
रेलवे भी छोटे किसानों की मदद के लिए विशेष प्रावधान करने वाली है। साथियों, नए संकल्प लेना, उन्हें पूरा करने और पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाना युवाओं की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। भाजपा युवा आकांक्षाओं और युवा सपनों को समझती है, ये इस बजट में भी स्पष्ट रूप से दिखता है। इस बजट में स्टार्टअप्स के लिए टैक्स बेनिफिट को आगे बढ़ाया गया है। युवा इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर जितने भी प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, वो युवाओं को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैंने खेती में जिस ड्रोन टेक्नोलॉजी की पहले चर्चा की, वो भी एग्रीटेक स्टार्टअप को प्रोत्साहन देगा। डिफेंस के क्षेत्र में स्टार्टअप्स हो या फिर डिजिटल करेंसी जैसे प्रावधानों से फिनटेक से जुड़े स्टार्टअप, ये युवाओं के लिए अनंत संभावनाएं बनाने वाले हैं। और स्टार्टअप की विशेषता है, स्टार्टअप जॉब क्रिएटर भी होते हैं। साथियों, युवाओं को शिक्षा और स्किल के बेहतर अवसर देने के लिए बीते सालों में टेक्नोलॉजी का दायरा निरंतर बढ़ाया गया है। इस बजट में इसको विस्तार देते हुए पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया गया है। इससे गरीब के गरीब बच्चों को भी, अपनी रोजी रोटी कमाते हुए भी अगर इस यूनिवर्सिटी से कोई छोटे मोटे कोर्सेज करने हैं तो वो आराम से कर लेगा और उसको क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध होगा। सरकार ने इस बार के बजट में स्पोर्ट्स को भी बहुत तवज्जो दिए हैं और काफी वृद्धि की है। और हम ये ना भूलें कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अधिकतम हमारे किसान के बच्चे ही आते हैं, किसान के परिवार की ही वो आन बान शाम बन रहे हैं। खेलो इंडिया अभियान के बजट को भी बढ़ाया गया है। स्पोर्ट्स का बजट पिछले 7 सालों में 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। इसका भी लाभ हमारे युवा साथियों को होगा। साथियों, आपने पोस्ट ऑफिस से जुड़ी अहम घोषणा की बजट भाषण में सुनी होगी। अब पोस्ट ऑफिस के खातों में भी बैंकों की तरह ही मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की सुविधा मिल पाएगी। अभी देश में 1.5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस हैं, जिसमें से अधिकतर गांवों में हैं। पोस्ट ऑफिस में जिनके सुकन्या समृद्धि अकाउंट और पीपीएफ अकाउंट है, उनको भी अब अपनी किस्त जमा करने पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अब वो सीधे अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफर कर पाएंगे। इससे गांवों में रहने वाले किसानों, मजदूरों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं को विशेष रूप से बहुत सुविधा होगी। और हम जानते हैं, हमने एक पूरे देश का किसानों के लिए डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, ई नाम।